Hey guys, this is Tejveer Singh and I welcome you back to my channel which is Dr. Tej Vlogs. Today we are going to make the Patiala Shahi Vatanwali Pug. JD is very popular, you will see Diljit Dosanjh, you will see him made, you will see Tarsem Jassad, you will see that Bhai Ji made. You will see Rajveer Jivande, you will see him made. You will see Emmy Virk, you will see Emmy Virk made. Jordan Sandhu made. बहुत सारे सिंगर्स ने जिहड़े यही पग बांधे मैनू बहुत सारे बंदयां दे मैसेजेस आए सीगे ते बहुत सारे बंदयां ने मैनू मैसेज करके यही कहा कि भाई जी असीं तुहाडी पग दी वीडियो जरूर देखना चाहोंगे सानूं तुहाडी पग बहुत वधिया लगदी है भाई जी थैंक यू सो मच पहली गल तां तुसीं इन्ना माण बख्शिया कि तुहानूं मेरी पग पसंद आई है ते वीरियो मैं पक्की कोशिश करूँगा कि जिन्नी कि मैनू पग आउंदी है उन्नी कि मैं तुहानूं सिखा पावां वैसे तां मैं सिखी नहीं है कितों मैं आप ही बांधदा सी मैनू मेरे डैड ने माड़े मोटे लड़ रखने सिखाए है जिन्ने कि मैं रख लैंदा तो चलो अज की आपां वीडियो शुरू करते हैं तो मैं पग बांधा फुल बॉयल 7.5 मीटर जिन्होंने 6 लड़ बनने ने उन्होंने 7.5 मीटर चाहिए है जिन्होंने 5 लड़ बनने ने तो वह 7 या 6.80 या 6.5 मतलब अपने सिर के हिसाब न उन्होंने आऊगी तो मैं सुजैस करूँगा जे तुम इदा की पग बननी है पटियाला शाही वटा वाली पग बननी है तो फुल बॉयल ही बनो रूबिया का कपड़ा बहुत मोटा होंगे तो पग वे लड़ नहीं पेंदे बहुत औखे लड़ पेंदे है तो चलो भाई जी शुरू करते हैं सब तो पहला तुसी की करना एक पग का बेस तैयार कर लेना जो इस टाइम मेरे देख रहे हो वैसे मैं बेस में वीडियोज़ घट ही पाँगा मैंने तो पसंद नहीं है पर चलो अज तुम जो पग सिखानी सी करके आप कर रहे तो तुसी सब तो पहला की करना बेस बन के तो उत्ते 50 बन लेनी है तो बेस बनन की जिहड़े मेरे वीर बेस बनाना नहीं आता मैं एक बार मैसेज करके दस देने इस वीडियो तो कमेंट्स कर देन तो मैं अगली वीडियो बेस की पूनी की जरूर पाऊँगा फिर तो हम आप शुरू कर दें सब तो पहला तुसी की करना पूनी करन तो बाद खब्बे हाथ तो लड़ फड़ के पिछे लैके जाना सिर दे इत्थे पिछे लैके जाना कुन्नी च जिहनूं कहिंदे ना भाई तेरी कुन्नी च छड़ने आ हाँ उत्थे लैके जाना आपां की करना भाई जी इदा लड़ फड़ के खब्बे हाथ तो घुमा के लड़ पाउणा मूँह च तो अगले दंदा दे विच फड़ लेना इनू टाइट फड़ियो ताकि जिहड़ी तुहाडी पग है स्लिप ना होवे ए तो बाद आपां हुण की करना लड़ फड़ के बाहरों साफ करके सिर दे पिछे तो इदा इत्थे हथ रख के सेंटर चो लैके आना सेंटर चो लिया के सेंटर चो लिया के लड़ इदा खिंच लेना जे तो पतला है जे तो यह लड़ पतला है फिर तो इनू डबल करके मोटा कर लियो नहीं तो जड़ दो इस लड़ नूं लाने दे लई तुसीं सब तो पहला देखियो कि आपां इहनूं सिर तों हल्का जिहा टेढ़ा लैके जाणा ते अद्धी अख ते अद्धी गल ढकणी है ते अद्धा कन्न नीचे तों बाकी तुसीं देख लो यार इन्नी टैक्निकल वैसे पग होनी नहीं चाहीदी तुसीं स्टाइल देख ही चलो मैं कित्थे कित्थे रख रहे हां ये लड़न तुसी बिल्कुल पिछे इदा ही गिरची च लैके जाना तो गिरची च ले जाके कर देना प्लेन तो जिदा पहला लड़ उंगल रख के रखिया सी उवें इनू रखना तो पहली लड़ तो हल्का जो उपर करके रखना नोट करो लड़ चंगी तरह खोल के बाहरों साफ करके आपां फेर लाओ आ देखो इनू हाथ नाल उंगल नाल इहदी इत्थों सफाई कर लैणी बाकी तुसीं भाई ये ना सोचो कि भाई ने बन्ननी लड़ां वाली पग है
ਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਗ ਟਿੱਕੀ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਗ ਨੇ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਟ ਪਾਉਣੇ ਇਸ ਲੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੜੋ ਵਟ ਪਾਉਣੇ ਆ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਉਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਖਣੇ ਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਪੱਗ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਲੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਲੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਸ ਆਏ ਖੋ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਚੱਕਿਆ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਟ ਕੱਢਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟ ਪਾਉਣੇ ਆਸਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਲੜ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵੱਟ ਪਾ ਦੇਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਆਵੇ ਮੋਰਨੀ ਪੱਗ ਵਾਂਗ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਪੱਗ ਫੜਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੱਗ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟ ਪਾਉਣੇ ਆਸਾਨ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਪਾਉਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਟ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਪੱਗ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਬਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਪੱਗ ਦੀ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਜੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੋਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੋਲ ਪੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੜ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਲੜ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਲੜ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੱਗ ਫੜਨੀ ਹੈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ
ते नक दी सीध तो इतों हल्का जा पिछे हिलण रखना ते इनू पटियाला शाही दी लुक देनी है इदा लड़ रखिया लो जी लाड़ा अपना आ गया हुण खिच के मतलब खोल के वट पा देने ते हल्का जा अगे करके हिलण रख देना एदे विच तुसी खास की ख्याल रखना उंगलों की मूवमेंट का ख्याल रखना तुसी जिन्ने भी पिंच पाने हैं इस उंगल ते इस अंगूठे नाल ही पाने हैं ते जदों इत्थों पग दबनी है इन्हों उंगलों इदा कर लेना ते हौली 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 लड़ दब लेना इदा ते पग जे तुहाडी तिखी हो रही है तो हुण दब के गोल कर लेना उस तों बाद लड़ खिच के थोड़े रिफाइन करके रिफाइन इन सेंस की वटां नूं रिफाइन करके ताकि वट तुहाडे प्रोपर दिखण उस तों बाद लड़ रख देना जी तो भाई जी हुण आपां लाउण लगे हां पंजवां लड़ तो ये बहुत सिंपल है हुण तुसीं पग दी शेप का ख्याल नहीं रखना हुण बस तुसीं लड़ ते लड़ कोकियां वांगू जड़ी जाना तो हुण तुसीं की करना सेम पहला वांग ही लड़ साफ करके खोल के पिछों रख के लैके आना ढिला जा खिच के पहला लाए हुए लड़ दे उत्ते ही इनू रखना उंगल नाल साफ करके इदा उत्तों सफाई दे के इन्हों उंगलों खिंचना थोड़े वट पाने हैं तो रख देना मेरे वीरियो तो नाल ही आप देनी है हल्की हल्की जी पग दब ताकि थोड़ी शेप बनती रहे हुण आपां लाउणा लास्ट लड़ ते लास्ट लड़ लाउण लई आपां की करना इह क्योंकि ये चीज़ उपर साडी दिखनी है ते इहदे विचों आपां हल्का हल्का कपड़ा चक के वट कढ लैणे जे तुहाडे वट नहीं निकल रहे तां उहनां नूं तुसीं खिच के नीचे ही कर लो इहदे नाल वी सैटिंग आ जाऊगी तो हुण बाई जी वारी आ गई लास्ट लड़ लाउण दी इहदे विच हुण आपां की करना पग फड़ो लड़ करो सैट इहनू फड़ो खोलो खोल के तुसीं जे इह अन ईवन है तां तुसीं इहनू ईवन करना इहनू खिच के फैलाउणा फोल्ड कर लेना तो फोल्ड करन तों बाद इहनू फड़ो जी तो इदां खिच के इदा खिच के ला दे जी ये बन गई जी साड़ी अच्छा हुण इहदे विच दो चीज़ां ने भाई जी जे तुसी सीधा लड़ लाओगे तो यह हो जूगी तुहाडी फ्री स्टाइल पग तो जे तुसी इहनू दूजे लड़ां की तरह लाउणा है तो तुसी इहनू मोरनी वांग की करना इदा फड़ना उंगलों उंगल सीधी अंगूठा बाहर अंगूठा लैके जाना पिछे ये उंगल रखनी है इत्थे लड़ गब्बियों फड़ के घुमा देना घुमाते सार ही शेप तैयार जिन्हों कहते ने मोरनी तो इदा ही लगती है बिरे मोरनी खिच के रखो इनू थोड़ा जा खोल लियो तो
उंगलों नाल फ्रंट ते ही, कईयां दे फ्रंट ते स्पेस होगी, जिन्हां ने पग तिखी बन्नी है, जिन्हां ने बन्नी है गोल, उन्हां दे फ्रंट ते स्पेस नहीं होगी क्योंकि उत्थे पग दा कपड़ा फिक्स हो चुका है। तो तुसीं इहनूं या अगे रख लो या साइड ते रख के उंगलों की हेल्प नाल विच कर लो। बाज ना मारियो, इत्थे बाज मारन नाल तुहाडी पग की शेप भी खराब होगी तो पग फट भी सकती है। हुण कई मेरे वीर इत्थे पिन लाउंदे ने कैथे ते तीन चार पिन लाउंदे ने उपर, ते बाई आपां पिन नहीं लाईदा, आपां पग मंदे आ बिना पिन तो। ते तुसीं हुण बस लड़ विच रखता शेप तुसीं देख ली आ वी बहुत सिरा आ गई है, पग थोड़ी जी सैट करके जिथे तुहानूं लगदा थोड़ी बहुत फिनिशिंग देनी है उत्थे दो, ते बाई जी इहतों बाद लड़ खिचो पिछे नूं, इदां लड़ खिचो पिछे, पग करो थोड़ी जी एडजस्ट, इतों तुम उंगल नाल अपना सैट कर सकते सारा सैट करने तो बाद करना भाई जी सेंटर चो उंगल नाल चक के लड़ खिंच लैना, खिंचन तो बाद खोल लैना ते खोलन तो बाद उंगलों नाल या बाज नाल इनू अंदर कर लेना, पहला एक पासा फिर दूजा पासा, फिर प्रॉपर फिनिशिंग देके लड़ नूं खोल लेना, खोल के हाफ इधरों बंद करना ते हाफ इधरों बंद करना, बंद करने तो बाद इहनूं खिंचना फड़ के सेंटर च, भाई जी ये पग मैनू तुहानू बन के दिखाउण लई लगे आ 20 मिनट, तो एक्चुअली मैनू ये पग बनन नू टाइम लगता हुंदा गिण के सिर्फ 7 मिनट, ये पग सिर्फ बनी जाती है 7 मिनटां दे विच, क्योंकि मैं कल्ला कल्ला लड़ तुहानू बोल के दिखा के फिर रख रहा तो मैनू टाइम लग रहा, नहीं तो इस पग नू बनन दा समा जिहड़ा है वह सिर्फ है 7 मिनट, 7 तो कई बार 7.5 हो सकते हैं पर इन्ना की। ते बाकी जे तुहानू मेरी पग वधिया लगी होवे, जे मेरा स्टाइल पसंद आया होवे, जे तुसीं मेरे तो लड़ां वाली पग देखनी होवे तां बाई जी जरूर कमेंट करियो, मैसेजेस करियो, ते जे मेरी वीडियो पसंद आई होई होवे तां लाइक ते शेयर जरूर करियो मेरे वीरियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।